गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये वीडियो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ तीनों क्लासा लिए है। तीनों क्लासा के बच्चे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? आंसर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? उत्तर है, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। नंबर वन, मौखिक भाषा। पास बैठे व्यक्ति से हम बोलकर अपने मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं, यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस आदि में हम इस मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नंबर टू, लिखित भाषा। दूर बैठे व्यक्ति से हम लिखकर मन के भाव व्यक्त कर सकते हैं, जैसे पुस्तकों द्वारा, पत्रों द्वारा। हम वीडियो द्वारा भी लिखकर और बोलकर अपनी भाषा का अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी तथा अंग्रेजी की रोमन है। नंबर चार, चौथा क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए कुछ नियमों की व्यवस्था की जाती है। इन्हीं नियमों की व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं। नंबर पांच प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग हैं? उत्तर, व्याकरण को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे वर्ग विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। प्रश्न नंबर छह, वर्ण किसे कहते हैं? उच्चारण की दृष्टि से इसके कितने भेद हैं? उत्तर है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कमल। क क के पैर में हलंत दिखाई दे रहा है ना, क के पैर में हलंत है इसलिए बन गया आधा क प्लस ओ। म के पैर में भी हलंत है, म के पैर में भी हलंत है आधा म प्लस ओ प्लस ल आधा इसके पैर में भी हलंत है प्लस ओ। अब इसको मिलाकर क्या बना? कमल। समझ में आ गया कमल कैसे बना? और आगे है, उच्चारण की दृष्टि से इसके दो भेद हैं। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। स्वर अ से लेकर अंग तक इतने वर्ण हैं, 13 वर्ण हैं। इन 13 वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र अर्थात आजादी से, मतलब कि इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की हेल्प नहीं दी जा सकती, तो इन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब नंबर दो है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनके बोलने में स्वरों की जरूरत पड़ती है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। ये संख्या में 33 है। जैसे क से लेकर ह तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। समझ आया? अ से लेकर अंग तक 13 वर्ण क्या थे? स्वर और व्यंजन। क से लेकर ह तक सभी वर्ण क्या है? व्यंजन। आगे क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है, हिंदी में आने वाली मूल ध्वनियों को अथवा वर्ण समूह को, अर्थात जितने भी वर्ण हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 46, 46, 13 इसमें स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कितने हैं स्वर? 13 और व्यंजन कितने हैं? 33। इसके अतिरिक्त विदेशी ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, अर्थात जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं उनको प्रकट करने के लिए कुछ अलग चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे ख के पैर में बिंदी डालकर, ग के पैर में, फ के पैर में, कॉलेज के ऊपर अदक डालकर, ऑयल, फादर, फ के पैर में बिंदी डालकर। इनके जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इनको प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है आठवां क्वेश्चन, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो बिंदी बनाई हुई है इसका मतलब अनुस्वार को बिंदी को कहते हैं, और विसर्ग जो पीछे दो बिंदियां डाल दी जाती हैं उसको कहते हैं विसर्ग। इनको हिंदी में अशोक बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। क्यों कहते हैं अशोक बा? क्योंकि ये ना ही स्वर है और ना ही
व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वरों की क्रम स्वतंत्र नहीं होता, मतलब स्वर जो है स्वतंत्र, मैं पहले दस्या चीज के स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये है स्वर में ही, लेकिन प्रयोग इनका स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये किसी वर्ण के साथ मिलकर ही बोले जाते हैं। इनको स्वरों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये भी व्यंजनों के साथ स्वरों की तरह लगाए जाते हैं। समझ आई? स्वर क्यों कहा जाता, स्वर में क्यों गिना गया है, क्योंकि ये व्यंजनों के साथ स्वरों की तरह ही लगाए जाते हैं। जैसे अनुस्वार बिंदी, संसार स्व के ऊपर बिंदी के रूप में डाला गया है, इसको बोला जाएगा स्वर, लेकिन है इसका प्रयोग किसके साथ हुआ है, व्यंजन के साथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। यंगल और विसर्ग, जो बीच में जो दो बिंदियां दिखाई दे रही हैं, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, द के साथ। प्रातः पीछे दो बिंदियां है, ये भी विसर्ग है। अनुस्वार का उच्चारण आधे म के समान, जैसे संसार इसमें आधा म की आवाज आती है, और विसर्ग के उच्चारण में आधे ह का आवाज आती है, आधे ह की, जैसे प्रातः ह, पीछे आधे ह की आवाज आ रही है। समझ आया कि अनुस्वार और विसर्ग में क्या अंतर है? अनुस्वार बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है और विसर्ग दो बिंदियों के रूप में ह की ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होता है, और अनुस्वार आधे म के रूप में, म आधा कैसे होता है, म के पैर में हलंत डालकर। आगे है नाइन्थ क्वेश्चन, स्वर के कितने भेद हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के विचार से, मतलब बोलने दे विच कितना समय लगता है सानू इन्हां स्वरां नू बोलने दे विच, तो उन्होंने उदे अनुसार स्वरां दे कितने भेद है, तीन। किदे विच कि स्वर को बोलने में समय हमारा कितना लगता है, इसके तीन भेद है, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसका आगे मैं समझाऊंगी कि ह्रस्व क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं और प्लुत क्या होते हैं, अभी तुमको इतना ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में ऐसे होता है जो इसको बोलने में ज्यादा कम समय लगता है, दीर्घ में उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, प्लुत में उससे भी ज्यादा लगता है। दूसरा है टेंथ क्वेश्चन, व्यंजन, व्यंजन के कितने भेद हैं? उच्चारण में वही समय के हिसाब से व्यंजनों के भी तीन भेद हैं, जैसे स्पर्श, अंतस्थ और उषम। कौन कौन से तीन हैं? स्पर्श, अंतस्थ और उषम। स्पर्श जो हमारी जीवा, जिस पर जीवा का जो हम उच्चारण करते हैं, इसमें जीवा का प्रयोग होता है। अंतस्थ जो हमारे अंदर से आवाज आती है, उषम इसको बोलने में हमारे अंदर से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको उषम कहते हैं, ये अंदर से आवाज आती है, अंतस्थ कहते हैं। स्पर्श हमारी जीवा, इसको जीवा प्रयोग करते हैं, हमारे तालू को स्पर्श करती है, इसलिए इसको स्पर्श कहते हैं। ओके, थैंक यू।